बहुत ज्यादा जब ये चीज चलन होना शुरू हो गया फेक न्यूज का, तो मैं आपको फेक न्यूज से स्टार्ट करता हूँ कि फेक न्यूज बेसिकली क्या होती है। फेक न्यूज तीन तरह की होती है। हमारे पास आज अभी फिलहाल हम जम्मू कश्मीर में जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इससे कनेक्टेड है फेक न्यूज से, क्योंकि हमारे गवर्नर ने खुद ये बोला है कि आज अगर हमें इंटरनेट बंद कर दिया गया, हालांकि दिस इज अ डेमोक्रेटिक राइट, आप किसी आदमी का टीवी इंटरनेट टेलीफोन बंद नहीं कर सकते हो, बट आज के ईरा में भी इतनी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नजर आई एडमिनिस्ट्रेशन को कि इंटरनेट बंद करना इज बेटर है अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है जम्मू कश्मीर में। आप देख रहे हो कि कितनी ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है यूपी में, कभी मुंबई में, कभी बिहार में, मगर आज तक इंटरनेट कभी बंद नहीं किया वहां पर, क्योंकि वहां पर हालांकि फेक न्यूज का चलन हर जगह होता है मगर जम्मू कश्मीर फेक न्यूज से इतनी ज्यादा जूझता है कि यहाँ पर कुछ भी थोड़ी सी अगर बात होती है तो फटाफट से इंटरनेट बंद करते हैं। तो जो फेक न्यूज फैलाने वाले हैं बहुत जीरो पॉइंट्स में से भी कम होंगे लोग, मगर झेलना हम सबको पड़ता है। तो गूगल ने 2018 में एक इनिशिएटिव लिया इंडिया में, उन्होंने क्या किया कि जो फेक न्यूज से जूझ रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ उन्होंने बात की, इंडिया में सबसे ज्यादा इसका चलन है, थ्रूआउट द वर्ल्ड गूगल को लोग यूज करते हैं, इंडिया में फेक न्यूज का चलन ज्यादा है। तो फेक न्यूज से कम्बैट करने के लिए हम फेक न्यूज से कैसे वाईफाई कर रहे हैं, नहीं वैसे एक एक थ्योरी चल रहा है। हाँ ये उन्होंने थ्रू आउट द कंट्री 40 जर्नलिस्ट चुने जो हिंदी बेल्ट से आते थे, हिंदी बेल्ट नॉर्थ इंडिया, मिडल इंडिया, वेस्ट इंडिया जहाँ हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, और 40 जर्नलिस्ट चुने साउथ और ईस्ट से, उनको अलग अलग दो ग्रुप्स में एक एक हफ्ते की ट्रेनिंग करवाई।